नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। जालपुर, अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर के शिलान्यास समारोह का असर शहर व अंचल में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में सुबह से अनुष्ठान व विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। मंडी के विचित्र वीर हनुमान मंदिर पर दोपहर 12:15 पर हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ किया गया। इसके बाद महाआरती कर प्रसाद खिलाकर मुंह मीठा किया गया। राम मंदिर निर्माण से उत्साही युवाओं ने आतिशबाजी भी की। मंदिर के पुजारी छगन लाल तिवारी ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। उत्साह से भक्तों द्वारा मंदिर में संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ठीक इसी तरह गांव तिलावत में सुबह माँ दुर्गा मंदिर पर गायत्री परिवार द्वारा एक कुंडी यज्ञ संपन्न कराया गया, जिसमें ग्रामीणों ने जन कल्याण के उद्देश्य से आहूतियां डाली। यहां के राम मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर पर उत्सव मनाते हुए दीप जलाए गए। वहीं हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड संपन्न हुआ। गायत्री परिवार के सदस्य देवराज सारोठिया ने बताया कि माँ दुर्गा मंदिर पर राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के विशेष अवसर पर आयोजित हवन में जन कल्याण के लिए आहूतियां डाली गईं। शिलान्यास के भूमि पूजन के उपलक्ष में सभी देश में जगह जगह आयोजन हुए। आज विशेष भी हनुमान मंदिर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया। इसके उपलक्ष मैं गायत्री परिवार का एक छोटा सा सेवक हूं और आज भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा है, उस राम मंदिर के शिलान्यास के निमित्त, शुभ कार्य के निमित्त, शुभ कामनाओं के निमित्त जगत माँ दुर्गा के इस पावन मंदिर में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ, जो कि हमारे। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।